भैंस का, भैंसपा का स्कूटर है, इसमें प्रॉब्लम आई है। और प्रॉब्लम यह है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो हमने टेस्ट किया इसको, देखा मैंने इसमें किक मार के स्टार्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन ये हो नहीं पा रही है। तो उसके बाद हमने इस रेड वाले टायर को बॉडी के साथ स्पार्क करवा के देखा और किक मारा, स्पार्क हुई नहीं। तो इसके मतलब इसके अंदर में इसको खोलना पड़ेगा, मोटर को खोलना पड़ेगा, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग कॉइल का कुछ प्रॉब्लम है और इसको खोला जा रहा है। उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या होता है। ये देखिए नट खुल गए हैं यहाँ से, अब इसको बाहर निकाला जा रहा है। ये देखिए बाहर निकल रहा है। अब इसको खोल के देखा जाएगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, और आशा करते हैं इसी के अंदर प्रॉब्लम होगा। ये गियर बॉक्स है, स्कूटर वेस्पा NB स्पेशल है ये, उसी का ये गियर बॉक्स है, और इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इसको खोला जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने चेक किया था इसका रेड वायर में, स्पार्क नहीं किया। तो अगर स्पार्क नहीं कर रहा है तो समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। ये देखिए अब खुल गया है, खोल लिया गया है इसको। ये रहा स्टार्टिंग कॉइल, स्टार्टिंग कॉइल है, इसी में कुछ फॉल्ट है जिसको देखना होगा। इसके ऊपर जो रोटर था घूमने वाला, उसको खोल दिया गया है। ये जो ब्लैक वाला है वही ख़राब हुआ है, उसी को देखना होगा, जिसको अभी खींच के निकाला गया है और ये जल गया है, इसी को अब रिप्लेस करना होगा, तब जाके स्कूटर स्टार्ट होगी। इसको मैग्नेट बोलते हैं ना। खोलने के लिए पिन सीधा करना पड़ता है, पिन सीधा करके उसके बाद खोला जाएगा इसको। ये खराब हो गया, आप देख सकते हैं फट गया है, इसी को बदलना होगा। ये न्यू वाला इसमें अब लगेगा, नया वाला रिप्लेस किया गया है पुराना वाले से। उसके बाद इंजन स्टार्ट हो पाएगी। ब्लेड जोड़ दिया गया है इसमें नया वाला, शॉर्ट पे नहीं होगा, ये लगाया जा रहा है इसको वापस अपने जगह पे। इसको लगाया जा रहा है, तो फुल बोल कर स्टार्ट करने जा रहे हैं।
सीधा कर दिया। स्टार्ट हो गई, इसका माना जो फॉल्ट था यही था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।